फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद राम। फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट जैसे कि एसएससी सीजीएल आरआरबी यूडीसी एलडीसी आदि कॉम्पिटिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको जिसकी मदद से आप चुटकियों में सैकड़ों वर्ड्स याद कर पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब सिंगल वर्ड इज यूज्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब इन प्लेस ऑफ अ फ्रेज और अ सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस्टिसाइड, फिटिसाइड, जर्मिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सोरोसाइड, यूरोक्सी साइड, रेजिसाइड और इन्फेंटिसाइड। फ्रेंड्स इन सभी वर्ड्स में आपने एक कॉमन बात नोट की होगी जो कि है साइड इन सभी वर्ड्स में यूज किया गया है। साइड का मीनिंग मैं बता दूं, साइड मीन्स किलिंग या मर्डर, मतलब मारना। फर्स्ट वर्ड है हमारा पेस्टिसाइड। पेस्ट का मतलब है कीट, साइड का मतलब किलिंग। अ मेडिसिन दैट किल्स पेस्ट्स, यानी कि कीटनाशक। सेकंड इज फिटिसाइड। यहां पर फीट वर्ड जो है FOET, फीट का मतलब होता है भ्रूण, और भ्रूण की हत्या, भ्रूण हत्या फिटिसाइड, भ्रूण हत्या। नेक्स्ट इज जर्मिसाइड। जर्म कीटाणु, साइड मतलब किलिंग ऑफ जर्म्स, कीटाणु नाशक। नेक्स्ट इज मैट्रिसाइड। मैट्री जो वर्ड है वो मेटर से बना है, मेटर मतलब मदर, किलिंग ऑफ वंस मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। नेक्स्ट फ्रेटरीसाइड, यहां पर जो फ्रेटर वर्ड का यूज किया गया है, फ्रेटर्निटी जब बोलते हैं भाईचारा, फ्रेटर मतलब ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाती हत्या, भाई की हत्या। सोरोसाइड, सोरो मतलब सिस्टर, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, बहन की हत्या। यूरोक्सीसाइड, यूरोक्स मतलब वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज कॉल्ड वाइफ की हत्या, पत्नी हत्या। रेजिसाइड, रेजी का मतलब होता है किंग या फिर राजा, राजा की हत्या। और इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब होता है अ चाइल्ड, और इन्फेंट शिशु हत्या, शिशु वध इन्फेंटिसाइड कहलाता है। तो इन सभी वर्ड से, साइड से आप इन सभी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स हमने मर्डर की, किलिंग की बहुत बात कर ली, अब थोड़ी प्यार की बात करते हैं। फिलो मैथ टू बिब्लियो फाइल, फिलो म्यूज, फिलो गाइनिस्ट, फिलो थीस्ट। यहां पर भी एक बात कॉमन है,
file. File means lover, प्यार करने वाला. Biblio या पर sorry, math मतलब knowledge, lover of knowledge, specially math, knowledge को प्रेम करने वाला. Second, bibliophile, biblio मतलब book, one who love books, पुस्तक प्रेमी. Philo muse, muse means lover of art, muse मतलब art और poetry, जो art और poetry को प्रेम करे, philo muse. Philo gynist, gynist मतलब woman, one who loves woman, स्त्री प्रेमी, स्त्री को प्यार करने वाला. Philo theist, theist का मतलब है यहाँ पर god, one who loves god, भगवान से प्यार करने वाला. आगे हम और वर्ड लेते हैं. जैसे कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सिएंट, ओमनी वर्स, ओमनी डायरेक्शनल. इन वर्ड्स में भी एक वर्ड कॉमन है जो कि हमारा है ओमनी. ओमनी मीन्स ऑल, यानी कि सारा, सब कुछ. ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वत्र, जो सब जगह विद्यमान रहे, यानी कि गॉड के बारे में जिक्र है. ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब है पावर, वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान. ओमनीसिएंट, सिएंट का मतलब होता है नॉलेज, वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो. ओमनीवर्स, वर्स का मतलब होता है ईटिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, सर्वहारी. और ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी का मतलब ऑल और डायरेक्शनल मतलब सभी दिशाओं में. फॉर एग्जाम्पल, द माइक इज ओमनी डायरेक्शनल, दैट कैचेस सिग्नल्स फ्रॉम एवरी डायरेक्शन. सो ओमनी से आप इन वर्ड्स को आसानी से याद रख सकते हैं. आगे है हमारा डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और ऑटोक्रेसी. इन सभी में क्रेसी वर्ड इस्तेमाल किया गया है. क्रेसी मीन्स रूल और गवर्नमेंट मतलब तंत्र. फर्स्ट है डेमो, डेमो मीन्स पीपल. अ गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र. सेकंड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो मतलब होता है कुलीन. अ गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी, कुलीन तंत्र. नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो मीन्स ऑफिशियल. अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही. प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मीन्स वेल्दी, रिच. गवर्नमेंट रिच, गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी. और ऑटो, ऑटो मतलब वन. गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, एक तंत्र. नेक्स्ट इज एक्रो फोबिया, हाइड्रो
फोबिया, पाइरोफोबिया, मोनोफोबिया और फोबिया। यहां पर फोबिया का मतलब है फियर, फियर मतलब डर। एक्रो, एक्रो मीन्स होता है हाइट, वन वो फियर्स फ्रॉम हाइट, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर, आपका एक्रोफोबिया कहलाता है। हाइड्रो मतलब होता है वॉटर, फियर ऑफ वॉटर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। पायरो, फायर का मतलब वैसे तो चिता होता है लेकिन जिसे आग से डर लगे वो पायरोफोबिया, यानी कि पायरो मतलब फायर। मोनो, मोनो मतलब होता है वन, वन फियर्स ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने से जो डरे, मोनोफोबिया। नेक्स्ट इज एयरोफोबिया, एयर, फियर ऑफ फ्लाइंग, जिसे फ्लाइंग उड़ने में डर लगे, फ्लाइट में जिसे डर लगे। सो ये हमारे फोबिया यानी कि फियर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट इज गायनाकोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, कार्डियोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। फोर्थ न्यूरोलॉजिस्ट, इसमें ओलॉजिस्ट मीन्स स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ जो होता है, स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज, किसी एक विशेष डिजीज बीमारियों का इलाज करने में जो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए ओलॉजिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट में गायना का मतलब होता है फीमेल, जो फीमेल की एलिमेंट्स बीमारियों का इलाज करे उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, जो स्किन से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करे उसे डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन। और कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिया का मतलब है हार्ट, वन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, हृदय रोग विशेषज्ञ। न्यूरोलॉजिस्ट, वन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्व्स, जो स्नायु तंत्र के बारे में एक्सपर्ट हो उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला हमारा वर्ड है मीसोगैमिस्ट, मीजोगाइनिस्ट। यहां पर मीजो, मीजो का वर्ड मतलब है हेट, नफरत करना। मीसोगैमिस्ट, यहां पर गैमिस्ट मतलब गेमस वर्ड से निकला है जिसका मतलब है मैरिज, जो शादी से नफरत करे, मिसोगैमिस्ट। और यहां पर फिर गाइना वर्ड आया है हेटर ऑफ वुमन, जो औरत से नफरत करे उसे मिसोगाइनिस्ट कहा जाता है। अगले हमारे वर्ड हैं हर्बीवर्स, ग्रामीणी वर्ड्स, इंसेक्टिवर्स,
कार्निवर्स और पाइसीवर्स, यहां पर वी ओ आर ओ यू एस वर्स का मतलब है ईटिंग, खाना। पहला है हर्बीवर्स, द एनिमल्स विच ईट्स हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां खाए हर्बीवर्स। सेकंड ग्रामिनी का मतलब है ग्रास से रिलेटेड, द एनिमल्स विच फीड्स ऑन ग्रास, जो घास खाए। इंसेक्टिवर्स, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, द एनिमल्स विच फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े खाए। और कार्निवर्स, द एनिमल्स विच फीड्स ऑन फ्लैश, मांस खाए। और पाइसी, पाइसी का मतलब होता है फिश, द एनिमल्स विच फीड्स ऑन फिशेस, मछलियों को जो खाए वो पाइसीवर्स कहलाता है। आगे हम बात करेंगे कल्चर से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरी कल्चर, एग्रीकल्चर, यहां पर कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, कल्टीवेट करना, खेती करना। एग्री मतलब लैंड, जो लैंड की खेती, यानी कि एग्रीकल्चर, खेती करना। हॉर्टी का मतलब है वन हु ग्रोज फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सेरी का मतलब होता है सिल्क, जो सिल्क की फार्मिंग करे, रेशम की खेती, आपका सेरी कल्चर कहलाता है। विटीकल्चर, विटी का मतलब है ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मैन मीन्स फ्लावर्स, जो फूलों की खेती करे, दैट इज कॉल्ड फ्लोरी कल्चर। सो ये आपकी कल्चर से रिलेटेड वर्ड्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे मोनो से रिलेटेड वर्ड्स, मोनो सिलेबिक, मोनोलॉग। यहां पर दोनों वर्ड्स में मोनो आया है, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि सिंगल, अ वर्ड दैट कंटेन्स सिंगल सिलेबल, जिस वर्ड में एक सिलेबल आए उसे मोनोसिलेबिक कहा जाता है। मोनोलॉग, लॉग मतलब डायलॉग, अ डायलॉग डिलीवर्ड बाई अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड मोनोलॉग। अब हम बात करते हैं बाई एनियल, ट्राई एनियल, क्वाड रेनियल, सेप्टेनियल, ऑक्टेनियल एंड सो ऑन। यहां पर एनियल वर्ड सभी में आया है। एनियल मीन्स पीरियड इन ईयर्स, मतलब बाई का मतलब होता है टू, दो, दैट हैपन्स वंस इन टू ईयर्स, जो दो साल में एक बार आए। ट्राई एनियल, जो तीन साल में एक बार आए। क्वाड एनियल, जो चार साल में एक बार आए। सेप्टेनियल, जो सात साल में एक बार आए। और ऑक्टेनियल, जो आठ साल में एक बार आए। यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि एनुअल और एनियल में थोड़ा सा फर्क होता है।
बाई एनुअल का मतलब हो गया कि साल में दो बार आना, और बाई एनुअल का मतलब हो जाएगा कि दो साल में एक बार आना। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, बाई एनुअल का मतलब दो साल में एक बार आना, और बाई एनुअल का मतलब है साल में दो बार आना। ये एनुअल वर्ड से आप समझ सकते हैं, और एनुअल एक अलग वर्ड है। अब मोनो का मैंने वर्ड बताया था, मोनो मतलब वन और बाई मतलब टू, बाई गैमी, बाई लिंगुअल, बाई मतलब टू, गैमी मतलब वाइफ, हैविंग टू वाइफ्स एट ए टाइम। जिस एक ही समय में दो पत्नियां रखना बाई गैमी कहलाता है, हालांकि बहुत मुश्किल है। बाई लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब है लैंग्वेज। वन हु नोज टू लैंग्वेजेस आर कॉल्ड बाइलिंगुअल। नेक्स्ट पॉली, पॉलीएंड्री, पॉलीसिलेबिक और पॉलीआर्की। पॉली मींस, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। अब पॉली एंड्री, एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड, हैविंग मैनी हस्बैंड्स एट ए टाइम। पॉलीसिलेबिक, एक वर्ड में जब बहुत सारे मैनी सिलेबल्स हो दैट इज कॉल्ड पॉलीसिलेबिक। और पॉलीआर्की और पॉलीक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट रन बाय मैनी पर्संस। इसके और भी जो भी मैंने वर्ड यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो बहुत ही कम है, इनसे आप सैकड़ों शब्द और बना सकते हैं। मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।